क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जिसमें दृष्टि आईएएस बाजीराव, श्रीराम, संस्कृति एकेडमी, आईएएस गुरुकुल शामिल है। टेरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जो मुझे 29 तारीख को दी गई। एमसीडी द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहां पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ना सिर्फ जेई और एई को सस्पेंड किया गया, जैसे ही पता चला कि ड्रेन की इंक्रोचमेंट की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, मेयर शैली ओबेरॉय जी ने आदेश दिए, एक बुलडोजर को तुरंत राजेंद्र नगर भेजा गया। जहां जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स ने ड्रेन पर इंक्रोचमेंट किया है उस इंक्रोचमेंट को हटाया गया कि ड्रेन प्रॉपरली फंक्शनल हो जाए। ना सिर्फ इतना, दिल्ली में जहां पर भी कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्लासेस चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे हैं, उन पर भी पिछले 3 दिन में सख्त कार्रवाई हो रही है। पिछले 3 दिन में राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर,
लक्ष्मी नगर प्रीत विहार एरियाज में कोचिंग सेंटर्स की बेसमेंट्स को सील किया गया है। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई है, जिसमें दृष्टि आईएएस, बाजीराव, श्रीराम, संस्कृति एकेडमी, आईएएस गुरुकुल शामिल है। इसके अलावा 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी।